मोशन टूल पैनल, मोशन कंट्रोल पैनल। बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे हम प्रीमियर प्रो सीख रहे हैं, प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग बेसिक लेवल का मोशन ग्राफिक कर सकते हैं। जब मोशन पैनल हमारे लिए ऑब्वियसली दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम उसकी हेल्प से कुछ ना कुछ डेवलप कर सकते हैं। अब जो ये जो मैं जो भी चीज अप्लाई करूंगा, वो ऐसा नहीं है वो एक स्पेसिफिक थिंग के लिए, ऐसा नहीं है वो खाली वीडियो के लिए है, ऐसा नहीं है वो खाली ऑडियो के लिए है, वो स्पेसिफिकली बेसिकली सब चीजों के लिए है। जो चीज हम वीडियो टेम्पलेट पर इंपोर्ट कराएंगे, वो ईच एंड एवरी थिंग पे वर्कआउट करेगी। फोटो वगैरह सब, फोटो वगैरह सब, फोटो हो गई, इमेज हो गई, वीडियो हो गई, एवरीथिंग, ठीक है। मैं अभी कोई भी यहाँ पे एक फाइल न्यू ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे फाइल का नाम डाल देता हूँ, कुछ भी मैं इस पर रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है। क्लास डाल देते हैं, क्लास मोशन पैनल, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे सीक्वेंस वगैरह सब चीजें इंपोर्ट करानी पड़ेंगी, सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। तो मैं अभी इतना कुछ नहीं, मैं बेसिक चीजों को लेकर चलूंगा। देखो, हो सकता है हम इसको 5 मिनट में सीख जाए, हो सकता है हमें सीखने में बहुत टाइम लगे, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग कीज चलाना नहीं सीखते हैं। बेसिकली कीज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, जैसे मैं भी करूंगा यहाँ पे, कीज कौन से बताऊंगा। तो पहले तो मैं एक वही सीक्वेंस बना लेता हूँ फटाफट से, कोई भी रैंडम सीक्वेंस यहाँ बना के मैंने एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने रैंडम एक सीक्वेंस बना लिया, एक दो वीडियो को क्लिप इंपोर्ट करा लेता हूँ ताकि मन में लगा रहे, ठीक है। मैंने ये वीडियो क्लिप इंपोर्ट करा ली, इमेज है, इसको स्केल टू कर लेता हूँ, एक दो वीडियो भी इंपोर्ट मैं करा लेता हूँ। मैंने अभी जो रिसेंटली वीडियो बनाई है, मैं उसी को इंपोर्ट करा लेता हूँ, थोड़ा सा माहौल बना रहेगा, ठीक है। ये मेरी वीडियो आ गई, ठीक है, ठीक है, हमारा डेटा आ गया। जरा मेरा जो टारगेट है यहाँ पे, कोई भी ऐसा एज इट इज टारगेट नहीं है मैं कि स्पेसिफिक वीडियो पर काम करूँ। मेरा टारगेट है यहाँ पे इफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल को सीखना, ठीक है। इफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल को सीखना कि इफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल होता क्या है और क्या काम करता है। सो सबसे पहले हर किसी चीज के अंदर अगर आप देखोगे, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, देखो अभी बाहर क्लिक करूंगा कुछ नहीं दिखाई देगा, जब तक मैं उसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक नहीं करूंगा वो चीज विजिबल नहीं होगी। चाहे वो इस पे क्लिक करूँ चाहे वो इस पे क्लिक करूँ, दोनों की प्रॉपर्टी में सेम चीजें रहेंगी। जिसमें ऑडियो है उसमें ऑडियो ऐड हो जाएगा, जिसमें ऑडियो नहीं है उसमें से रिमूव हो जाएगा, राइट। सो मेरा जो टारगेट रहेगा वो मैं सिर्फ वीडियो पैनल सीखूंगा, वीडियो पैनल में भी मैं यहाँ तक सीखूंगा। कहाँ तक? यहाँ तक, सिर्फ इतना, जहाँ तक ये चक्कर सा बना हुआ है यहीं तक सीखूंगा कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं चीजों को समझता हूँ और एक वन बाय वन करके चीजों को लेकर चलता हूँ। मैं अभी एनिमेशन नहीं बता रहा हूँ, नहीं एनिमेशन नहीं बताया, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये एक्चुअली में होते क्या है पहले हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है मोशन, ठीक है। मोशन में मीन्स होता है किसी भी चीज में मूवमेंट देना, मोशन मीन्स किसी भी चीज में मूवमेंट देना, ठीक है। अब मूवमेंट वो किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो स्केलिंग हो सकती है, वो रोटेशन हो सकती है, चाहे वो पोजीशन हो सकती है, चाहे वो उसका एंकर पॉइंट हो सकता है, चाहे वो फ्लिकरिंग हो सकती है, कुछ भी। ये बहुत लेमन वर्ड यूज करे मैंने, ठीक है। अब लेकिन यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा हुआ है पोजीशन, पोजीशन होता है हमारे, जैसे दो पोजीशन होती है, एक होती है एक्स एक होती है वाई। हमने पढ़ा हुआ स्कूल में जाते थे, हम पढ़ते थे एक्स और वाई, हमने पढ़ा हुआ है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। ये होता है हमारा वाई और ये होता है हमारा एक्स, करेक्ट। और ये अंदर अगर हम थोड़ा निकालते हैं तो ये होता है जेड। ये हमारे काम का नहीं है अभी, इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। कि हमारे इसको मैं मिटा देता हूँ रबड़ से, तो कि हमारे काम का नहीं है। मजा आता है ना ऐसा करने में, ऐसे इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारी एक्स और वाई पोजिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक्स पोजिशन होती है और सेकेंड वाली हमारी वाई पोजिशन होती है। जैसे जैसे आप मूव करोगे वैसे वैसे दिखाई देगी। देखो मूव करो तो दिखाई दे रही है, जो चीज आप सेलेक्ट करोगे वही चीज आपकी मूव मूव होगी, राइट, क्लियर है। ये हम डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं ना, वीडियो क्लिप से यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूंगा, मैं करूंगा यहीं से, क्योंकि मुझे अभी ये चीज सीखनी है। यहाँ से तो आप कुछ भी कर सकते हो, देयर इज ऑप्शन, देयर इज पॉसिबिलिटीज, वहां से एग्जैक्ट मूवी होगा, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट खेलेंगे, पिक्सल टू पिक्सल खेलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट खेलेंगे, राइट। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्केलिंग का। स्केल ऑब्वियसली क्या होता है, साइज को छोटा बड़ा करना है। अभी मैं इसको यहाँ से स्केल कर रहा हूँ और स्केल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। एरो के साथ एक एक करके भी छोटा बड़ा कर सकते हो आप, दिख रहा है। मैं जो हमारे कीबोर्ड में अप डाउन एरो होते हैं, इससे भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी राइट डाउन भी कर सकता हूँ, मैंने क्लिक किया नंबर लिख भी सकता हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म स्केल पर ऑन है, इसको मैं ऑफ करूंगा तो मैं इसकी स्केलिंग अलग हैंडल कर सकता हूँ और वाई की स्केलिंग अलग हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। हाइट और विड्थ दोनों स्केलिंग अलग अलग हैंडल कर सकता हूँ। वापस क्लिक कर दोगे तो वापस वो यूनिफॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। चाहे आपका 3400 या 3500 मैटर नहीं करता, रीसेट करना हो रीसेट कर सकते हो, नीचे वाला भी आपको रीसेट करना हो तो आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? गुड। नेक्स्ट मेरा लिखा है रोटेशन। जहाँ पे मेरा यहाँ मोशन पैनल पे मैं क्लिक करूंगा, जहाँ पे मेरा ये वाला पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं हमारा एंकर पॉइंट।
ये जहां पे भी होगा ये वहां से उसको रोटेट करेगा, ठीक है? राइट, इस एंकर पॉइंट को शिफ्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करो, उसको शिफ्ट कर दो। देखो अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे ये पॉइंट चेंज हो रहे हैं, जिसे एंकर पॉइंट पोजीशन, एंकर पॉइंट पोजीशन, जहाँ पे भी इसको मैं रख दूंगा ये ऑटोमेटिकली वहीं पे जाके इसके एंकर पॉइंट की पोजीशन को चेंज कर देगा। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो वहां से रोटेट होगा, राइट? यहाँ तक क्लियर है? राइट, यहाँ तक मेरा ऑप्शन में कोई डाउट? ऊपर से नीचे तक ये होता है एंटी फ्लिकरिंग। किसी किसी चीज में हमारी फ्लिकरिंग आती है, हम देखते हैं हमारा कभी कभी हाथ शेक हो जाता है बहुत माइनर सा, तो यहाँ से हम इसको वैल्यू इसकी बस बनी रहती है, इसको बंद कर दो थोड़ी सी फ्लिकरिंग कम हो जाएगी। मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगा बहुत पावरफुल है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बेकार है। अब कंप्यूटर ने सॉफ्टवेयर ने अगर उसको ऑप्शन को दिया है तो उसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन होगा, लाइट ही इफेक्ट होता है उसका, तो आपको ये यूज करो दिखाई देगा। लिखा हुआ भी है एंटी फ्लिकर फिल्टर, मीन्स आपके उसमें हल्का हल्का मोशन जो जर्की मूवमेंट होता है वो उसको आउट कर देगा। ये आप कभी देख पाओगे, आप रियल फुटेज पे वर्क करो, रियल शूट करो और उस पर अप्लाई करो तो आपको इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, राइट? तो ये कितना आगे तक हो सकता है? ये इतना ही रहता है, ये 0 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है? मतलब ये टोटल 0 हाई, बिल्कुल 0 नॉर्मल था, नॉर्मल 1 पता है इसका हाईएस्ट, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसके बीच में माइनर माइनर सेटिंग ऑफ किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हमने एक ऑप्शन पढ़ा था ऑपिसिटी, हम जो पेंडुल की हेल्प से कर रहे थे, आपको याद होगा तो मैं क्लिक कर रहा था, मैंने थोड़ा सा इसको उसको अप डाउन किया था, ठीक है, और यहाँ से मैं ऑपिसिटी खेल रहा था, वही ऑपिसिटी मेरी यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है? बट इसमें ऑपिसिटी के साथ इसमें कुछ ऑप्शन 3 ऑप्शन मेरे को हाईलाइट कर दिया है ये अपडेटेड सॉफ्टवेयर में, पुराने सॉफ्टवेयर आप देखोगे शायद नहीं मिलेगा, 2017 से पहले ऑप्शन में नहीं था। अब इसमें ये क्या चीज़ है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो वो उसको मास्क आउट कर देगा, क्या कर देगा? मास्क कर देगा, उतने एरिया को मास्क बना देगा। ये दिख रहा है, मैं नीचे लेयर को ऑफ कर दे रहा हूँ, ये सीधे उतने एरिया को मास्क बना दिया उसने, ठीक है? अब ये सर्कल में बनाया, मेरे को दूसरे उसमें बनाना है, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं, बॉक्स बनाना है बॉक्स में काम करेगा, ठीक है? मुझे अपनी शेप बनानी है, मैं नहीं चाहता इन सब पे काम करना, मेरे को अपनी शेप बनानी है, मैं अपनी शेप भी बना सकता हूँ, ठीक है? ये होता है फैदर, कितना फैदर देना है, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी दे रखी है। ये होता है हमारा, ये मास्क पाथ होता है, इस पर हम काम अभी थोड़ी देर में बाद में काम करेंगे, ठीक है? ये होता है फैदर कि कितना फैदर देना है, स्मून दिस जो हमने मास्क बनाया उसकी फायदा कितना देगा, हार्ड रखोगे हार्ड दिखाई देगा। मास्क की ऑपेसिटी कितनी रखनी है, 0 करनी है 0 कर सकते हो, यहाँ से 0 करने से मास्क की ऑपेसिटी कम होती है और यहाँ से 0 करने से ऑब्जेक्ट की ऑपेसिटी कम होती है। ऑब्जेक्ट मतलब अगर मैंने एक शेप में 3-4 मास्क बना रखे हैं और मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ तो एक सिंगल मास्क पे ऑपेसिटी कम करेगा और यहाँ से सारे मास्क ही कम कर देगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्लिप में फिर मल्टीपल मास्क लगा सकते हैं, बिल्कुल 50 मास्क लगा सकते हो, 60 मास्क लगा सकते हो, 100 मास्क लगा सकते हो, आपकी चॉइस है कितने मास्क लगाने हैं, ठीक है? आप देखो मैंने इसकी ऑपेसिटी कम करी तो यहाँ क्या कम हो रहा है, सिर्फ इसकी ऑपेसिटी कम हो रही है, लेकिन अगर मैं नीचे वाले इसको मेन को कम कर रहा हूँ तो ये सब दोनों की कम कर रहा है। तो मेन स्विच ऑफ करना है बाहर से जाके या घर के अंदर की लाइट ट्यूबलाइट ऑफ करनी है मैनुअल स्विच से, तो आपकी चॉइस है, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? मास्क 1 मास्क 2 क्या आया? 2 मास्क बनाया मैंने, दो मास्क बनाया, हाँ तो दोनों मास्क, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी आ रही है, करेक्ट, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग मेरे को विजिबल हो रही है। दूसरा मेरे पास होता है मास्क ऑपेसिटी हो गया, मास्क एक्सपेंशन की मेरे को मास्क अपना एक्सपेंशन कितना करना है, मैं दूसरे मास्क पर अप्लाई करता हूँ, देखो मास्क कम कर, मास्क मैंने बना लिया, मेरे को कहता हूँ 2 पिक्सल अंदर बनाना था या थोड़ा सा कम करके बनाना था, गलती से ज्यादा बना दिया, तो अब उसको पिक्सल को यहाँ से कम कर सकते, जैसे पिक्सल्स इसको मैं कम कर सकता हूँ, शेप वैसी रहेगी, शेप में कम ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ वो मास्क को कम कर देगा, ठीक है? इन्वर्ट करना हो तो उल्टा कर देगा, उतने एरिया को माइनस कर देगा बाकी एरिया को रहने देगा, ठीक है? ये तो बहुत कॉमन चीज थी, ठीक है? मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सेम ही चीज सब में अप्लाई होती है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई इशू? अब हम चलते हैं कीज के ऊपर, किसके ऊपर चलते हैं? कीज, एक की को समझाऊंगा बाकी की अपने आप समझ में आ जाएंगी, एक की समझाऊंगा बाकी अपने आप मिलेंगे। ये होता हमारा रीसेट का बटन, किस चीज का? कोई भी चीज गलती हमने इधर उधर कर दिया तो इसको रीसेट कर दो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, सारी चीजों के लिए अप्लाई होता है। कोई भी चीज अगर आपने गलती से इधर उधर कर दिया है तो आप उस पर वापस क्लिक कर दो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। की लगती कैसे, की होती क्या? की मतलब होता है एनिमेशन, की मतलब होता है एनिमेशन, मतलब आपने कोई भी की लगाई है उसमें एनिमेशन करना चाहते हो या फिर कोई मूवमेंट करना चाहते हो तो हाउ टू डू दैट, उसको आप कैसे करोगे? सो उसे करने के लिए बेसिकली मेरे पास यहाँ ये पैनल है, एनिमेशन होता है इससे, जिसकी ऑडियो बंद कर दो प्रॉब्लम चल रहा है, ये हमारा होता है टाइमलाइन, जब हम प्ले करेंगे तभी हमें कोई एनिमेशन दिखाई देगा, प्ले नहीं करूंगा तो एनिमेशन नहीं दिखाई देगा, करेक्ट? तो अभी ये हो गया हमारा टाइमलाइन,
ठीक है, इसकी टाइमलाइन यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे मूव करोगे वहां मूव करो, एक ही बात है। ठीक है, अब की लगाते कैसे, मैंने पहली की मैं खुद लगाऊंगा, फर्स्ट की मैं लगाऊंगा, दूसरी की कंप्यूटर या तीसरी की कंप्यूटर लगाएगा। पहली की लगाते ही होल्ड होगी, देखो वहां पे दिख रहा है की लग गई एक सीरीज, ये डायमंड की शेप का जो आ रहा है, करेक्ट, ये डायमंड की शेप का जो आ रहा है, ये लग गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, और थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, उसको ज्यादा है सर, और आगे नहीं बढ़ाओ, नीचे टाइमलाइन बड़ा जूम हो रखा है, ये देखो जूम हो रखा है, ये देखो अब बड़ा बढ़ेगा, वो ऐसा नहीं नहीं बढ़ेगा, उसने पैसे पूरे लिए उससे तो पूरा बढ़ेगा। अभी मैं इसको एनिमेशन दे रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ नीचे चला गया तू और साइड में चला गया तू, सीरियस एनिमेशन हो गई, ऑटोमेटिक दूसरी की लगी, मैं कहता हूँ अब तू भी ऊपर चला गया, अब फिर लेफ्ट में चला गया, फिर एनिमेशन अपना की अपने आप लगी, देखा आपने, मैंने कोई की नहीं लगाई। ठीक है, अब मेरे से गलती से ना यार बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए, मैं आपकी रियल पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो इस वाले बटन पर वापस दबा दो, वो रियल की पैड आएगा, मतलब मैं गलती से बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए, मेरी चेंजेस मुझे समझ में आ रहे हैं, मैं अपनी रियल पोजीशन पर कैसे वापस आऊँ, जो पहले वाली जो सबसे मेरी इनिशियली जो मैंने डाउनलोड करा था जब लेके आया था, तो यहाँ पे मैंने रीसेट का बटन है इसको दबा दिया, ये रीसेट पैरामीटर्स हो गए हमारे, और यहाँ पे वापस आ गया, इस पे की लग गई, खत्म नहीं होगा, अंडू नहीं होता, रीसेट का मतलब अंडू नहीं होता, रीसेट का मतलब होता है अपनी रियल पोजीशन पे वापस आना, वो रीसेट पैरामीटर्स है, पढ़ो क्या लिखा है, रीसेट पैरामीटर्स, रीसेट सेटिंग्स नहीं है, रीसेट पैरामीटर्स है। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, ओ मजा आ गया, ठीक है, ऐसी सेम स्केलिंग में होता है, मैंने स्केलिंग में कहता हूँ मेरी यहाँ पे स्केलिंग होनी चाहिए 100%, मैंने यहाँ पे 100% पे की लगाई, स्टार्टिंग में मेरी होनी चाहिए 0, इस पर क्लिक किया 0 प्रेस कर दिया, 0 हो गई सीधेस, फिर मेरे को बढ़ाना फिर बढ़ा दिया, फिर मेरे को कम करना फिर कम कर दिया, फिर मेरे को बढ़ाना फिर बढ़ा दिया, और एक्चुअली मैं आखिर में आके मेरी रिजल्ट हो गई, ठीक है, ठीक है, फिर मैं स्टार्टिंग में आया, ऊपर वाले जो पोजीशन वाली जो तुमने की लगाई है एग्जैक्ट उसके नीचे नहीं आ रही, नीचे आनी चाहिए ना, नीचे मतलब जैसे जो ऊपर वाली पोजीशन के बाद जो कीज लगी हुई है ऊपर वाली, और जो नीचे स्केल की वाली कीज लगी हुई है, आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है, मैं सपोज यहाँ पे गया और यहीं पे जाके सारी की लगा दी, तो आपकी चॉइस है, एक साथ लगा लो, ले लो, ठीक है, अब अगला जो काम करोगे आप, जो मूड चेंज करो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, लगे सब की ओबेसिटी भी लो, ठीक है, सीरियस कुछ भी हो सकता है, वो मैंने कोई इस पे कोई टारगेट नहीं ले रखा, तो समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया कि कैसे यूज करते हो, अब कितना इससे क्या क्या चीज क्रिएट कर सकते हो आप नहीं जानते, अभी आपको इसको जानना पड़ेगा जब आप काम करोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजों का बहुत यूज होता है, इसे बोलते हैं हम मोशन एनिमेशन पैनल, इसके जरिए आप कुछ भी चीज एनिमेट कर सकते हो, छोटे छोटे बॉक्सेस बना बना के एनिमेट कर सकते हो, अपने टाइम लाइन पे मोशन ग्राफिक का सारा काम कर सकते हो, यू कैन सी द मोशन ग्राफिक वीडियो, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अपने स्किल्स के थ्रू, फोटोशॉप के जरिए छोटे छोटे पेज को पूरा कट करके लाया, यहाँ से एनिमेट कर दिया, तो आपकी स्किल्स हैं, आप कैसे उसको बनाना चाहते हो, मैंने कोई चीज एजुकेशनल वीडियो बनाई है, बॉटम पे लाइन चलानी है, उसके ऊपर पट्टी चलानी है, ठीक है, उसके ऊपर टेक्स्ट एनिमेट करते आना चाहिए, फ्लेयर दिखनी चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, बेसिक लेवल का रोटो भी इसमें कर सकता हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि रोटो कैसे करते हैं, तो येले पॉइंट क्लियर, रोटो एक एक फ्रेम बाय फ्रेम मास्किंग होती है, बेसिक लेवल तक मैं वो भी कर सकता हूँ, उसके अंदर मैंने की भी है, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ, वो हमें धीरे धीरे जब हम काम करेंगे तब हमें समझ में आएंगी, तो यह वाला मोशन पैनल पूरा क्लियर है, इफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ये क्लियर है मुझे, इसमें कोई डाउट, क्लियर, ठीक है।